को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भागलपुर की जनता चुनाव से पहले नेताओं से, सत्ता में बैठे लोगों से, प्रत्याशियों से गारंटी मांग रही है। गारंटी यह है कि उनकी समस्याओं का निदान कब होगा, या उनकी समस्याओं का निदान होगा या नहीं, या गारंटी लें उसके बाद ही हम आपको वोट देंगे। शंकरपुर दियाराम इस वक्त मौजूद है। यहाँ के लोग की मुख्य समस्याओं की बात करें तो जो चचरी पुल बनाया जाता है हर साल और बाढ़ आने के बाद वह डूब जाता है, बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ समस्या है और क्या गारंटी है जो है नेताओं से, प्रत्याशियों से मांग रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं इनकी, क्या समस्या है और क्या गारंटी मांग रहे हैं नेताओं से। देखिए, हम लोग तो सर 20 साल से जो भी प्रत्याशी यहाँ चुनाव जाता है वो तो झूठे वादा कर देता है कि आपको इस साल पुल बन जाएगा, बना देंगे, लेकिन जब तक चुनाव आता है उसी टाइम बोलता है, उसके बाद फिर हम लोग का जो कष्ट है देखते धरते पर जो है कि जैसे बाढ़ आएगा, बारिश पड़ेगा, तकने से हम लोग का आगू बंद हो जाएगा, बच्चा का पढ़ाई लिखाई, उसके बाद में बीमारी हो जाए तो चारपाई से ले जाना भी बहुत दिक्कत होता है। तो हम यही कहेंगे जो भी आवे वो हम लोग के ठोस कहे कि ना हम ये आपको पक्की पुल बना देंगे, ये 20 साल से यह झूठा एकदम बयान है। 20 साल से मतलब सिर्फ बोला जा रहा है। उसके बाद आए दिन तक देख ही रहे हैं कि हम लोग चंदा बेगरी करके वो पुल बनाते हैं चचरी पुल, वो भी बाढ़ में आता है, वो भी भांस जाता है। अच्छा, एक पुल बनाते हैं उसमें कितना वक्त लग जाता है और कितना खर्च हो जाता है? आप लोग खुद से बनाते हैं? अपना से खटने के बाद सामान रस्सी के 1.5 लाख और अपना से 50-100 आदमी भिड़ता है तब पर भी 1.5 लाख रुपया खर्च उसमें गिरता है। खुद से सब लोग अपना खुद 100 आदमी लगता है, कोई गड़ता है, कोई काटता है, तब पर भी। इस बार क्या कह रहे हैं आप लोग प्रत्याशियों से, नेताओं से क्या कुछ? हम तो यही कहेंगे अगर हमारे ठोस आवाज उठावे, कहे गारंटी मान के चलिए कि न अगली बार आपको पक्का पुल बना ही देंगे तो ठीक है, हम वोट करेंगे, और नहीं तो हम लोग वो लोटाम वोट करेंगे। वोट देने जाएंगे ना? हाँ जाएंगे, लोटाम बोतम दबाएंगे। समस्या लगातार यहाँ पर एक समस्या बनी रहती है, बाढ़ प्रभावित इलाका है, और हमने भी देखा है कि जब आप लोग यहाँ से विस्थापित होकर यूनिवर्सिटी के तरफ जाते हैं तो वहाँ भी हटाया जाता है, इस तरह से कब तक? ये तो हम लोग प्रत्येक साल झेल ही रहे हैं, और कई नेता आए और वादा करके गए, और हमारे पूर्व सांसद अजय मंडल जो 5 साल रहे, 5 साल के दरमियान में कहे कि गाँव में एक सुई तक भी दिए हैं, कई बार उनसे मिले भी, कई बार प्रस्ताव भी रखे कि हम लोग के गांव में चलने की समस्या है, बच्चों को स्कूल जाने की समस्या है, कई बार अवगत कराए, लेकिन उनका एक एक कहना है मोदी लहर है हम जीतेंगे ही, कोई दे या ना दे तो ये मोदी लहर कह के जीत रहा है। मोदी लहर ही सब कुछ है, जनता की समस्या कुछ नहीं? जनता की समस्या कुछ नहीं है, मोदी की लहर है, इसको जीतना है और कोई समस्या इसके सामने नहीं है। लेकिन आएंगे तो वोट लेने तो आपके पास आएंगे? आएंगे, हम लोग सोच विचार के देंगे, अगर गारंटी लेता है तो वोट देंगे, अगर गारंटी नहीं लेता है तो किस चीज की गारंटी मांग रहे हैं आप? हम लोग सबसे पहला एक नंबर में रखे हैं जो पुल है, जो हम लोग शहर से जुड़ जाए, बच्चा के पढ़ाई लिखाई बीमारी सबकी समस्या का समाधान हो जाए। दूसरी, बाढ़ आए या ना आए, हम लोग को सब दिन अगर बारिश भी पड़ जाएगा तो चलना मुश्किल हो जाता है, ये सारी समस्या हम लोगों को, परेशानी लगातार यहाँ पर, परेशानी 12 माह लगातार बने रहता है। कैसे निदान हो पाएगा इस समस्या का? आप लोग लगातार जो है समस्या यहाँ पर बनी रहती है, किस तरह से आप लोग परेशान होकर बाहर काम करने जाते हैं और नेता जब आते हैं वोट मांगने फिर क्या? तो सर हम लोग इसलिए कि कष्ट कादो पानी खेल के और कादो पानी लगल जाते हैं, कष्ट से जाते हैं, कादो पानी हेल उल के तब जाते हैं। पुल नहीं बना। क्या समस्या है बनी रहती है? समस्या वही है कि बाढ़ पीड़ित में पूरा कठिनाई झेलने के लिए पड़ता है, ये जो सरकार पक्की पुल दे दे तो बहुत सुविधा हो जाए। बाढ़ पीड़ित में यूनिवर्सिटी के पास रविंद्र भवन के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी खदेड़ता है, अगला साल भी नहीं रहने दिया, बोला की नहीं यहाँ नहीं रहो, अधूरी बजता है तो कहाँ से ढूंढ ढूंढ ले जाएंगे, गाय भैंसी बच्चा बकरी अनाज उनाज कैसे ले जाएंगे?
पक्की पुल रहेगा तो कहीं ठीक रहेगा। चार से पांच महीना आप लोग पूरी तरह से परेशान रहते हैं। पूरे परेशानी रहते हैं, जब से बारिश शुरू हो जाता है यहाँ परेशानी रहते हैं। गाड़िये के आने जाने के लिए नहीं रहता है, पैदल जाइए पैदल आइए, कोई चीज अथी करके ले जाइए थे, तो यदि सब पानी आता है तो घर द्वार भी टूट जाता है। कितनी परेशानी होती है बाढ़ आने के बाद, और नेता यहाँ पर वोट लेने आते हैं उसके बाद चले जाते हैं, फिर आते हैं कभी मिलने? जब नेता को काम आता है वोट लेने के लिए तो सब आकर के कहता है कि हम ये कर देंगे, सब हम ये कर देंगे, हमको वोट चाहिए। हम लोग ऐसे वोट देते हैं, हमारा काम एक भी कोई काम नहीं होता है, न कोई नेता यहाँ आता है। एक बेचारे सहनबाज एक बार आया था, वो बेचारे बोला कि ठीक है अगर हम यहाँ भागलपुर जीत जाएंगे तो हम इस आई समस्या को हल कर देंगे, लेकिन बेचारे तो जीता नहीं। इधर जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक बने हैं, कोई हम लोग का देखने के लिए नहीं आया है। और हम लोग का ये अभी तो सूखा रूखा है, तो सूखा रूखा हम तो उस जगह मट्टी भर करके और दूगो बम्मा दे करके किसी तरह से सड़क उसे बनाया है, रोड बनाया है, जो कि उसे लेकर के हम लोग जाते हैं। बारिश हो जाएगा तो हम लोग उस दे करके नहीं पार होते हैं, तब नाव डेंगी से पार होते हैं। तो समस्या तो हमको सबसे बेसी वही झेलना पड़ता है, सब समस्या से। अच्छा, आपने बाढ़ में बच्चों को भी खोया? पिछले दफा भी हमने खबर बनाया था कि बच्चे डूब गए हैं बाढ़ में, लगातार हर साल ये हर साल डूबता है। अब हम लोग क्या करें, बेबस में जब पड़ जाते हैं तो हम लोग क्या करें, अपने जीवन के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है, तो व्यवस्था करते हैं, लेकिन फिर भी साल साल हम लोग का यही है समस्या। सरकार जितना भी विधायक या एमएलए बनते हैं, MP MLA, कोई आज तक हम लोग का कोई राहत नहीं दिया और न हमको दुख को कोई बुझा। कितनी परेशानी लगातार होते रहती है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत है हम लोग को, जैसे कि हम लोग का मुख्य जो है मुख्य मांग है कि पुल जो है शहर से महज 500 मीटर के दूरी पर हम लोग, मतलब कि हम लोग का गांव अवस्थित है, लेकिन जो है वहां से अगर मतलब कोई मतलब ईटा छर्री बल्लू लाना पड़ता है कोई भी चीज, तो हमको जो है ये 500 मीटर के दूरी को जो है तय करने के लिए 8-10 किलोमीटर दूरी पर जो है मतलब कि तय करके आना होता है। तो हम जो है हम चाहते हैं कि जो भी नेता आए, जो भी हो, मतलब कि भाजपा, मतलब जो भी किसी भी दल के नेता हो, हमको गारंटी चाहिए, तब जो है विकास की गारंटी चाहिए, और जो हमारी मांग है वो गारंटी चाहिए, तब हम वोट करेंगे, अन्यथा नोटा जलाएंगे। उसके बाद क्या गारंटी है, क्या मांग रहे हैं? हम लोग का मुख्य जो है पुल है कि हम लोग का शहर से जुड़ा हो जाएगा, उससे क्या होगा कि जो है हम लोग शहर से जुड़ जाएंगे, उसके बाद जो है जैसे कि जो है हम लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो फिर जो है ना खड्डिया पे यहाँ से मतलब कि जाना पड़ता है। और अभी जो है वर्तमान में हम लोग जो है ना पहले से 20 साल से हम लोग का मांग है ये, तो हम लोग ग्रामीण में चंदा करके उसके बाद जो है पुल बनाते थे, तो इस बार जो है मतलब पैसा के अभाव कारण पुल भी नहीं बन पाया है, तो वहां पर जो है थोड़ा सा मिट्टी भराई करके जो हम लोग मतलब पैदल आने जाने वाला बना दिए हैं, लेकिन उसमें क्या है कि बारिश होने के कारण दलदल बन जाता है और जो वहां पर कम से कम बहुत परेशानी होता है। तो हम जो है तमाम नेताओं से जो है गुजारिश करते हैं कि जो है हम लोग का दुख आके जो है उसको जाने और जो है उसको मतलब निवारण करने का प्रयास करें, और हमारे हाँ गारंटी दें, और जो है वोट हम लोग करेंगे, वोट करेंगे, लोकतंत्र का पर्व है, उसमें जो है सबकी सार्विकता जरूरी है, लेकिन जो है हम लोग को गारंटी चाहिए। और जो ना अभी जो वर्तमान में जो है अजय मंडल जी हमारे सांसद महोदय, तो अभी जो है 5 साल से सांसद हैं, उससे पहले नाथ विधानसभा क्षेत्र के 10 साल विधायक भी रह चुके हैं जी, तो यहीं से जो है मतलब लोकसभा मतलब की जो है उनका जो है मतलब की रास्ता क्लियर हुआ है। तो हम जो है हमारा सांसद महोदय जो है 5 साल आप ध्यान नहीं दिए हैं, तब जो है हमारा ये मतलब हालत है, अगर आप पहले फिर ध्यान देते तो फिर जो है ये सब नहीं देखना पड़ता। उसके बाद अगर हम लोग कोई मतलब जो है ना कुछ मतलब की लेके जाते हैं समस्या, तो डायरेक्ट बोलते हैं कि मोदी लहर में जीत गए हम, डायरेक्ट बोलते हैं तो हमारा वोट थोड़ी दिल है, तो मोदी को वोट दिल है, तो जो है मोदी जी समस्या तो समस्या हमारी समस्या है ना भाई, किसी को मोदी जी यहाँ विकास करना नहीं आएंगे, सब जगह संभव नहीं ना है, तो जो भी मतलब जहाँ जहाँ जो मतलब अपने पार्टी के लोग को नियुक्त किए हैं, जो भी है सांसद जिनके जिनका मतलब की क्षेत्र है, तो क्षेत्र में अपना जो है अपना कार्य करे, बस यही जो है ना हमारा जो है ना मतलब
ठोस गारंटी हमको चाहिए, ठीक है। कितना संतुष्ट हैं वर्तमान सांसद के काम से बताइए, आप लोग के विधायक भी रहे, अब सांसद भी रहे और फिर से प्रत्याशी हैं, कितना संतुष्ट है? संतुष्ट है ये, लेकिन हमारा जो मैंने पहले में जो हमको दिक्कत है वो हमको हल कर दीजिए। जाने में बहुत कष्ट होता है, बाल बच्चा को ऐसा साल नहीं गया है जी, दो बाल बच्चा नहीं डूबा है बोर बीमारी से, दो चार को नहीं मरा है, ऐसा कोई सा समय नहीं गया है, कोई सा समय नहीं गया कि हमारा गांव से साल में दो चार को मरवे करता है, वो रे बीमारी रे परेशानी इतना होता है कि कहने की बात नहीं। अभी तक सब नेता है आप बोला कि हम वोट देंगे देंगे पुल देंगे, भरोसा देता है, लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं देता है, ये सब ऐसा ऐसा परेशानी देखने कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं खड़ा हुआ कि हाँ आपको परेशानी क्या है, क्या चीज से आप उठे हुए हैं, तरी हमारा ध्यान दीजिए। समय आता है सब चीज सब ले लेता है, जब हमारा समय आता है तो हमारा लोग को कोई देखने तक नहीं आता है, यहाँ तक कि कोनो ऐसा बार पीड़ित में जो बच्चा नहीं डूबा होगा, बच्चा सियान डूबिया जाता है, हर साल दो चार को डूबे करता है, हर साल बोर बीमारी से ले आने समय यहाँ से लेके भागते हैं खटिया पर टांग के, जैसे रास्ते में दम टूट रहता है, क्या करेंगे, यहाँ व्यवस्था नहीं है, यही पुल अगर बन जाता है गरीब छकरा रहता है, हम लेते हैं उस पर तो जाना दो मिनट में जाने में वहाँ एक मिनट में काम हो जाता, लेकिन वैसा कोई सुविधा नहीं मिला है, कुछ जानने भी नहीं, नहीं कोई नहीं जानता है, यहाँ पर एक बस्ती का आदमी ना है, यहाँ पर चार पांच बस्ती का आदमी एक हुए हैं, इतना दूर जो बस्ती है एक गाँव का ना है, चार पांच बस्ती एक खोले हैं, फिर भी इतना आदमी पुल नहीं मिल रहा है, जहाँ तक जहाँ छोटा गाँव है वहाँ देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया पुल बन रहा है, हर चीज सुविधा मिल रहा है, हमारा इतना बस्ती में क्यों नहीं मिल रहा है, इसका वजह क्या है, इसका गारंटी इस बार मांग रहे हैं, इस बार हमको बड़ी गारंटी चाहिए कि अगर हाँ कौन नेता बोल रहा है कौन सांसद बोल रहा है कि हमारा ये चीज पुल बन जाएगा उसी को बड़ी वोट मिलेगा, नहीं तब तो अपना अपन मर्जी है वोट के। कितना बस्ती आदमी होगा इस बार, यहाँ पर आबादी कितनी होगी? बहुत है, 15,000 लगभग होगा, 15-20,000 लगभग आबादी है हम लोग, 15-20,000 की आबादी प्रभावित रहते हैं, बावजूद जो है नेता को कोई मतलब नहीं, मौजूद है नेता को, इसका तो कोई गारंटी ही नहीं है, नेता कभी भी नहीं करता जितता है, कोई नेता नेता है गुड़ का कभी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारी योजनाएं कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने हमने चलाई है, आयुष्मान भारत योजना है, उज्ज्वला योजना है, गैस कनेक्शन है, बहुत सारी योजना, लाभ मिला कभी किसी योजनाओं का? कोई लाभ नहीं मिला हम लोग का, कोई लाभ नहीं, बाढ़ पीड़ित में जो पैसा आता है वो उस पैसा है एक कुछ नहीं, एक साल मिला फिर कहाँ मिला, कभी नहीं, एक ही साल मिला। हाँ कितना साल से डूब रहे हैं आप लोग? सब दिन डूबिए रहे हैं, बरसों से डूबले आ रहे हैं हम लोग, तो बरसों से जब से ही हमारे बस्ती तो डूबले आ रहे हैं हम लोग। चल आप बताइए बाबा कि क्या समस्या है आप लोग, इतना कितना उम्र हो गया आपका, कितना उम्र हो गया? हर हमारे कम से कम 80-70 होगा, इससे कम नहीं होगा, 80 के आसपास है। कितना चुनाव आपने देख लिया शुरू से? बहुत कुछ देखे, मतलब कहीं कुछ नहीं किया, कुछ कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम लोग का कोई प्रभाव नहीं है, कुछ नहीं, सरकार भी देता नहीं देता है, हम लोग का बस बात चाहिए कि हम लोग का दिक्कत दूर हो जाएगा, पुल पुल हाँ पुल भी दीजिए, हमारा बात भी दीजिए, हम लोग का खेत पड़ता है यहाँ कठा डंटा, हरदम हम लोग आते हैं जाते हैं, हम लोग का दिक्कत होता है। कितना साल से आप लोग डूब रहे हैं? हर साल से डूब रहे हैं, 70-70 उम्र, हाँ 20 साल से डूब रहे हैं, हाँ इससे कम नहीं डूब रहा है, हर साल डूबता है, इससे मान ही रहता है, तब लोग हम लोग भागे टिल्ला जाते हैं, उनको देखने सुनने वाला ही कोई नहीं, कोई नहीं, संवाद देखा ना जय मंडल, कोई भी नहीं देखा है। क्या क्या समस्या है, गुस्सा क्यों है? जनता को कभी नहीं देखता है, जो भी नेता बनता है, ये बिंटोली दिलदारपुर नाथनगर क्षेत्र विधान बहुत बड़े 14 पंचायत है, लेकिन ये कोई नेता ये बस्ती में पुल नहीं दे रहा है, 2500 वर्ष से झेल रहे हैं हम सब जनता, बीमारी जाता है दलदली में फंस के मर जाता है, डूब जाता है, अचानक बाढ़ आ जाता है, घटना हो जाता है, जाते जाते दम टूट गई, नो नेता आया नो मुखिया आया और न ग्राम पंचायत का आदमी चिल्ला कर रह जाता है, कभी भोजन तक सही ढंग से नहीं देता है, झोपड़ी बनाने की भी शक्ति नहीं है, जनता क्या करेगा, खाने को शक्ति नहीं है, जब डूब जाता है तो हम लोग का रहने का साधन नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी से नहीं रहने देता है,
यूनिवर्सिटी से भी नहीं लेता है, नहीं लेता है, यूनिवर्सिटी भगा देता है, भगा देता है, यूनिवर्सिटी से भी वो भगा देता है, तब बड़के बड़के आदमी को पकड़ता है तब जाके रुकता है। तो कितना संतुष्ट है अपने सांसद से, कितना कम संतुष्ट है, लेकिन नचार अभी है, आम जनता नचार पड़ा हुआ, न पुल बना है, न विकास बना है, इसलिए जनता गारंटी नहीं दे रहा, गारंटी मांग रही है, इसलिए अगर गारंटी देगा अब की बार तो वोट गिरेगा, नहीं तो लोटाम वोट गिरेगा, वही कहा कि लोटाम गिरेगा। कहाँ देने जाते हैं वोट? यही बेरिया पंचायत, बेरिया में 26 अप्रैल को चुनाव, हाँ बेरिया पंचायत में वोट देते हैं। देखिए यहाँ जो है शंकरपुर चौनिया दिया रहा है, कई गांव है यहाँ पर, और कम से कम इस गांव की बात करें तो यहाँ पर 15 से 20 हजार के करीब आबादी है, लेकिन इन लोगों का सहारा जो है चचरी पुल है। गंगा जब यूनिवर्सिटी के तरफ से आप आए या फिर मुख्य सड़क से आए तो मुख्यालय से आए तो चचरी पुल ही एक सहारा है यहाँ पर। गंगा में आप देखेंगे तो 4 से 5 चचरी पुल बने हुए हैं, और जब जब बाढ़ आता है, बाढ़ से पहले जो है चचरी पुल को खोल लिया जाता है, और बाढ़ गंगा का जलस्तर घटने के बाद पूरी तरह से जब जलस्तर घटता है तो यहाँ पर फिर से ये लोग चचरी पुल का निर्माण करते हैं। और आश्चर्य का बात यह है कि जब ये लोग चचरी पुल भी बनाते हैं तो कोई नेता भी लोगों की मदद नहीं करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वह खुद से पैसे इकट्ठा कर, चंदा इकट्ठा कर यहाँ पर चचरी पुल बनाते हैं। बाढ़ प्रभावित इलाका है, हर साल 20 वर्षों से जो है बाढ़ का दंश झेल रहे हैं, लेकिन किसी ने इनका हाल तक नहीं जाना है, बेबस है, लाचार बने हुए हैं। 80 वर्ष के बुजुर्ग हो या फिर 25 साल के युवा हो, सबका एक ही कहना है कि इस बार सरकार जो है, नेता जो है, प्रत्याशी जो है, गारंटी दें। गारंटी अगर देंगे, पुल बनाने की गारंटी देंगे, बाढ़ प्रभावित इलाका से हमें हटाने की, जहां पर हम बाढ़ प्रभावित इलाका, बाढ़ आने के बाद जब यहां से हम हटते हैं तो वहां पर विस्थापित होने की जगह दें, भोजन की समस्या ना हो, इसकी अगर वो गारंटी देते हैं, हमें कोई परेशानी ना हो इसकी अगर वो गारंटी देते हैं, तभी जो है वो वोट करेंगे। हमारी अपील है कि वोट देने जरूर जाए, वोट का बहिष्कार नहीं करें। आपके पास वहां पर कई तरह के ऑप्शन होते हैं, क्योंकि अगर वोट देंगे तभी जो है गांव का विकास हो सकेगा, तभी जो है आपकी समस्याओं को लोग जो है, अधिकारी जो है, नेता जो है, वो जान सकेंगे। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।